आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सूत्रधार आईएएस मनीषा पवार ने छोड़ी नौकरी। मनीषा पवार ने लिया वीआरएस। पति आईएएस उमाकांत पवार ने भी समय से पहले छोड़ दी थी नौकरी। साल 2018 में उत्तराखंड सरकार के पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सूत्रधार रही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीषा पवार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। 1990 बैच की आईएएस अधिकारी मनीषा पवार अपर मुख्य सचिव पद पर थी। अभी उनके सेवाकाल के 4 वर्ष और बचे थे। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी, इस वजह से वो लंबी छुट्टी पर भी रही। आखिरकार उन्होंने वीआरएस ले लिया। इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार में अक्टूबर 2018 में निवेशक सम्मेलन में तत्कालीन मुख्य सचिव उद्योग के तौर पर आईएएस मनीषा पवार ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले उनके पति 1991 बैच के आईएएस उमाकांत पवार ने भी वीआरएस ले लिया था। जब उनके पति ने वीआरएस लिया था तब उनकी सेवा के भी 9 वर्ष बचे थे। आईएएस अधिकारी मनीषा पवार के वीआरएस लेने के बाद ये सवाल अब उत्तराखंड में उठने लगे हैं कि यहाँ आईएएस की पहले से कमी है और ऐसे में एक के बाद एक आईएएस अगर वीआरएस लेते चले गए तो प्रशासनिक सेवा का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।